दोस्तों, अगर आप लोग एक नई YouTube क्रिएटर हो और अपना YouTube चैनल अपने मोबाइल नंबर से वेरीफाई करना चाहते हो तो ये वीडियो दोस्तों आप लोग के लिए है। क्योंकि दोस्तों आज के इस कंप्लीट वीडियो में मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे अपने मोबाइल नंबर को YouTube पर ऐड कर सकते हैं या फिर कहो कि आप लोग कैसे अपने YouTube चैनल को वेरीफाई कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजबल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे लाल कलर वाला बटन दिख रहा होगा, दबा दीजिए और घंटे पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को खोल लेना है अपना क्रोम ब्राउज़र। तो यहाँ पे मैं अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लेने के बाद में दोस्तों यहाँ पे YouTube दिख रहा होगा, YouTube आपको सर्च कर लेना, मतलब अपने YouTube खोल लेना है। उसके बाद में दोस्तों आप लोग को क्या करना है, ऊपर जो थ्री डॉट दिख रहे हैं थ्री डॉट पे क्लिक करके पहले तो इसको डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेता हूँ, सब कुछ आपको करके दिखाता हूँ। उसके बाद में दोस्तों ऊपर आपको अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना आएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखिए ऊपर कॉर्नर पे आपको प्रोफाइल दिख रही है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में योर चैनल पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ। इसके बाद में आपको मैनेज वीडियो पे क्लिक करना है। मैनेज वीडियो पे क्लिक कर लेने के बाद में ये थोड़ा सा सर्चिंग हो रहा है। अब ये देखिए दोस्तों इतना आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नीचे दिखाऊँ तो अभी छोटी सी सेटिंग्स का ऑप्शन दे रहा है। ये देखिए मैंने चैनल अभी बनाया है आप लोग को सिर्फ समझाने के लिए कि कैसे वेरीफाई करते हैं मोबाइल नंबर से। तो नीचे आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन दिख जाता है, ठीक है। अब पहले क्या होता था दोस्तों, पहले दूसरी जगह देता था, मतलब जब हमने चैनल बनाया था तब दूसरी जगह देता, लेकिन अब सिस्टम जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है। तो शायद आप लोग भटक रहे होगे, तो यहाँ पर मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जूम किया, इसको थोड़ा सा नीचे मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए कि ये सेटिंग्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपल से इस पर प्रेस कर लेना है। प्रेस कर लेने के बाद में अब ये देखिए जूम आउट कर लेता हूँ, जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये इतना पेज खुल गया। अब यहाँ पे देखिए चार पांच ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको सिंपल से चैनल वाले आइकन पे क्लिक करना है। ये जो सेकंड नंबर पे दिया है वो चैनल पे आपको प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए चैनल पे प्रेस करते ही आपके सामने ये तीन ऑप्शन बन के आएंगे। यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ, बेसिक इन्फो, एडवांस सेटिंग और ये फीचर एलिजिबिलिटी। तो आपको तीसरे वाले पे क्लिक कर लेना है, फीचर एलिजिबिलिटी पे। अब यहाँ पे देखिए तीसरे वाले पे क्लिक किया तो यहाँ पे दिखाता हूँ, पहला वाला जो है डिफ़ॉल्ट फीचर का है जो कि आपको इनेबल मिला है। दूसरा है ये है दोस्तों नया फीचर, मतलब जिसमें चैनल वेरीफाई होगा, फीचर्स दैट रिक्वायर्ड वेरीफाई फोन, ठीक है। आपको इस पर प्रेस करना है और यहाँ पे देखिए अब मैं सब कुछ आपको दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा तो आपको देखिए इतना सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि वीडियो लॉन्गर देन 15 मिनट्स, मतलब 15 मिनट से ज़्यादा कि आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं जब आप फ़ोन नंबर वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद में कस्टम थंबनेल आपको मिल जाएगा देखने के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग, हालांकि ये 1000 सब्सक्राइबर से पहले नहीं मिलेगा लाइव स्ट्रीमिंग, लेकिन ऑप्शन खुल जाएगा वेरीफाई करने के लिए, मतलब वेरीफाई करने के बाद में। और यहाँ पे फोर्थ वाला दिया है एक कॉन्टेंट आईडी मिल जाएगी। अब मैं बात कर लेता हूँ फ़ोन नंबर की, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ डिफ़ॉल्ट फीचर इनेबल और उसके नीचे लिखा हुआ वेरीफाई फ़ोन नंबर। तो सिंपल से हमको इस पर टच कर लेना है। टच करने के बाद में ये थोड़ा सा लोडिंग ले और आपको इस पेज पे ले आएगा। अब यहाँ पे मैं जूम करके आप लोग को दिखा देता हूँ ये थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ वेरीफाई योर अकाउंट, यहाँ पे इंडिया नहीं ना, इंडिया जैसे कि हम लोग इंडिया से हैं, इंडिया आपको सेलेक्ट कर लेना। अगर यहाँ पे दूसरी कोई कंट्री भरी हुई है तो आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब ये देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ हाउ शुड वी डिलीवर द वेरीफिकेशन कोड टू यू, मतलब ये पूछ रहा है कैसे आपको मैसेज भेजूँ या फिर कह लो जो OTP भेजा जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कॉल मी विद एन ऑटोमेटेड वॉइस मैसेज, या फिर सेकंड वाले पे दिया हुआ टेक्स्ट मी द वेरिफिकेशन कोड। भाई ये पूछ रहा है कि कॉल के थ्रू आपको कोड चाहिए या फिर मैसेज के थ्रू। तो भैया हमको कॉल के थ्रू नहीं चाहिए, मैसेज के लिए चाहिए। तो सिंपल से हम सेकंड वाले पे क्लिक कर लेते हैं। अब ये दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको अपना जो मोबाइल नंबर देना है आपको यहाँ पे डाल लेना है। तो चलिए मैं एक मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ, मान लीजिए मैंने अपना एक मोबाइल नंबर डाल लिया और मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो वेट कर लेते हैं OTP का। तो दोस्तों यहाँ पे OTP आया है, वो मैंने सिंपल से यहाँ पे डाल दिया है, आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ जूम करके। यहाँ पे मैंने OTP सब भर दिया, यहाँ पे सबमिट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिख के आ गया, ये बड़ा सा दिखा देता हूँ, वेरीफाइड, कॉन्ग्रेचुलेशन योर यूट्यूब अकाउंट इज वेरीफाई। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की इस कंप्लीट वीडियो को पूरा एंड तक देख लेने के बाद में अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि आप लोग कैसे अपने यूट्यूब चैनल को बड़ी ही आसानी से कैसे अपने मोबाइल नंबर से
वेरीफाई करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी सभी को पता चले। और दोस्तों आपके मन में अगर किसी प्रकार की कोई बात हो, कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए मैं अपने यूजर्स के कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। तो बस दोस्तों फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी किसी और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।